24 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया? द क्लॉक इज टिकिंग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पशुओं के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। पब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? SCO। किस देश ने हाल ही में चीन के साथ 3 साल के लिए 10 अरब युआन लगभग $1.5 बिलियन के मुद्रे विनिमय सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। हाल ही में किन दो राज्यों की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपये। अरब एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? नवल साध्वी। जल जीवन मिशन के तहत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? अंडमान एंड निकोबार। 23 से 24 मार्च 2021 को कहाँ पर असम राइफल कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? शिलोंग। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड ने के MD और वैश्विक CEO के रूप में अगले 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है उमंग वोहरा। 24 मार्च 2021 को CDS विपिन रावत ने भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र का कहाँ पर औपचारिक रूप से अनावरण किया है? चेन्नई में। वज्र भारत का 6ठा अपतटीय गश्ती पोर्ट है जिसका निर्माण चेन्नई स्थित लॉन्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। वज्र जहाज तटरक्षक बल के पूर्व क्षेत्र के तुतिकोरिन में तैनात रहेगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर किन दो भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास खिलेरी और एवं अनु यादव। माउंट किलिमंजारो समुद्री जल से 5,895 मीटर इसका लोकेटेड तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो के 3 ज्वालामुखी शंकु वोल्केनो सीन के नाम से किबो मावेंजी तथा सीरा है। हैंस मेयर और लुडीविग पर चेस्लर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। हैंस मेयर और लुडविग पर चेस्लर। इंडिया टीवी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2019 में टीवी के कितने लाख मामले सामने आए हैं? तो 22.4 लाख। वर्तमान दुनिया में सबसे अधिक भारत में 2.64 मिलियन क्षय रोगी हैं जो कि दुनिया का कुल क्षय रोग के 30% है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत में चलाए गए जा रहे कुछ प्रमुख का सरकारी पहल। निक्षय इकोसिस्टम, यह एक राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली है जो मरीजों को जानकारी का प्रबंध करने और देश भर में मरीजों की गतिविधियों की निगरानी के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करती है। क्षय पोषण योजना, यह योजना टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान, यह अभियान सितंबर 2019 में टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया गया था। सक्षम प्रोजेक्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS द्वारा दवा प्रतिरोधी टीबी रोगियों को मनोविशेष परामर्श प्रदान करने के लिए यह परियोजना चलाई जाती है। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 40वें। इस सूचकांक में का यह 9वां संस्करण है जिस US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 53 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, UK दूसरे, फ्रांस तीसरे, जर्मनी चौथे, स्वीडन 5वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में सबसे नीचे वेनेजुएला 53वें स्थान पर रहा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 91 और चीन 28वें स्थान पर है। यह सूचकांक बौद्धिक संपदा अधिकारों IP संपत्तियों के व्यवसायीकरण कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे 25 मार्च 2021 को असम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था? श्रीनगर। इस गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी है। प्रथम FIDE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पी इनियान। पुरुष स्पर्धा में आर्मेनिया के हाइक मोट्रिशियन ने पी इनियान को हरा कर स्वर्ण पदक जीता है। महिला स्पर्धा में इस टूर्नामेंट में आर्मेनिया के की एन्ना सरगानसियन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। महिला स्पर्धा में इस टूर्नामेंट में आर्मेनिया के एना सरगासियन ने स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष में आर्मेनिया के ही हाइक मोट्रिशियन ने पी यान को हरा कर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। न्यूब नोयंगम एरक्को नामक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में, राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। यहाँ के गवर्नर का नाम BD मिश्रा है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और यहाँ का राजधानी ईटानगर है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में है। 25 जिला 25 है। निर्वाचन सीट लोकसभा में 2 है, राज्यसभा में 1 है और विधानसभा में 60 है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल, राजकीय वृक्ष होलोंग, राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य की बात करें तो बोर्डो छम, मुखौटा नृत्य तथा युद्ध नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तथा मोंगलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व पाकुई या पखुई टाइगर रिजर्व है। दर्रा की बात करें तो यांगपा दर्रा है, बोमडिला दर्रा है और दीपू दर्रा है। जनजाति की बात करें तो अपतानी या तानी जनजाति, डबला जनजाति, सुलुंग जनजाति, मिसमी जनजाति, मिनियोंग जनजाति, मिरी गे लोग जनजाति, मोम्पा तथा मेजी है। राज्य भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। नवीनतम पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइंस किस अभिनेता द्वारा रचित है? तो समीर सोनी। किस राज्य के TB उन्मूलन कार्यक्रम ने विभिन्न व्यवस्थित पहलों के माध्यम से बीमारी की व्यापकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? केरल। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पे 14 जिले हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं जो कि कोची लोकेटेड हाईकोर्ट में है। निर्वाचन सीट लोकसभा में 20 है, राज्यसभा में 9 है, विधानसभा 140 है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु यहाँ की हाथी है, राजकीय पक्षी धनेश है जो कि ग्रेट हॉर्नबिल है, राजकीय वृक्ष नारियल है, राजकीय फूल अमलतास है, राजकीय फल कटहल है, राजकीय मछली ग्रीन कोमराइड है। शास्त्रीय नृत्य में कथकली और मोहिनी अट्टम है। लोक नृत्य ओट्टम, स्थुलाल, कलियट्टम तथा पादयानी है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अन्नामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर रिजर्व भी है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पारामिकुलम राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है तथा पम्बादुम राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है, साइलेंट वैली। प्रसिद्ध बांध माला पेरियार बांध, इदुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध काबिनी नदी पे है। अगर माला पेरियार बांध है, इदुकी नदी, पेरियार नदी, इदुकी बांध जो है वो पेरियार नदी पे है और बंसुरा सागर बांध जो है वो काबिनी नदी पे है। जनजाति की बात करें तो कादर, उराली, मोपला, इरुल्ला तथा पनियान है। आधिकारिक भाषा यहाँ के मलयालम है। किस बैंक ने हाल ही में ग्रेट प्लस टू वर्क अवार्ड जीता है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना मार्च 2017 में हुआ था। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में है, मनुथी त्रिशूर केरल में है। चेयरपर्सन PRV मोहन है, MD और CEO के पॉल थॉमस है। इसका मोटो जॉय ऑफ बैंकिंग है। हाल ही में नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता को का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विथ डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर कब मनाया गया? 25 मार्च को 25 मार्च 2021 को गुलामी और ट्रांस
टालांटे के दास व्यापार के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस का विषय है इंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस। 2020 के लिए व्यास सम्मान के विजेता कौन बने हैं? प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री 2010 के लिए यह सम्मान दिया गया है। SI पद्धति में लेंस को शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो द्रव्यमान। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर कौन था? इसका आंसर कमेंट में आप दीजिएगा। धन्यवाद।